दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप डेली नया नया कुछ सीख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूं जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप में एडमोव की एड लगा के पर डे का $20 यानी महीने की बात करें तो $600 यानी लगभग रुपीज में कन्वर्ट करें तो आप 35,000 से 40,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। और यहां पे मैं सारी डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का जरूर देखना, कहीं पे भी आप स्किप मत करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले ही महीने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिक्सआर्ट में एडमोव की एड कैसे लगाई जाती है, लेकिन वहां पे मैंने बिल्ड करके आपको नहीं दिखाया था। तो वहां बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बिल्ड नहीं कर पा रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शेयर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल्स के साथ समझाया है, तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पहले मैं क्या करता था कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करता था, वहां पे ऐप को एडिट करके देखता था। तो मैंने व्हाट्सएप में एडमोव की एड लगाई और वहां पे अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो सब लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आज मैं आपको एपीके एडिटर की मदद से बताने वाला हूं कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैंने एपीके एडिटर का यूज किया है और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप बिल्ड होता है वो एपीके एडिटर प्रो से होता है। तो सबसे पहले आप एपीके एडिटर में देख लो कि वहां पे कैसे काम करता है। यदि आप उसमें कर लोगे तो फिर आप एपीके एडिटर प्रो ले लेना और वहां पे आप एडिट कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल भी लिखा है जिसके जरिए आप एपीके एडिटर प्रो को फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ना, ठीक है। तो वहां पे आप एपीके एडिटर प्रो को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके जरिए ही आप अपने व्हाट्सएप में एडमोव की एड लगा सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपना WhatsApp ओपन करके। तो यहाँ पे मैं अपना WhatsApp ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे अनलॉक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे WhatsApp में एडमोव की एड लगी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइमिंग नहीं लगाई है। देखो क्या होता है कि आप यहाँ पे टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि ये एड बार बार रिफ्रेश हो, कितने समय बाद रिफ्रेश हो, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइमिंग नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मतलब गूगल एडसेंस मतलब एडमोव ही अपने तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश करता है, तो हर 30 सेकंड में ये जो एड है ये रिफ्रेश होती रहेगी और बार बार बदलती रहेगी। और यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल एड नहीं लगाया है, सिर्फ बैनर एड लगाया है। इंडस्ट्रियल एड यदि मैं लगा दूँ तो शायद किसी को प्रॉब्लम होगी, इस कारण से मैंने सिर्फ बैनर एड लगाया है। तो यदि कोई एक बार भी क्लिक करता है तो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे एपीके एडिटर में आपको इसे एडिट करना है। तो दोस्तों प्ले स्टोर में आपको जाना है, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर में पहुंच जाइए और प्ले स्टोर में आपको एक ऐप सर्च करना पड़ेगा, एपीके एडिटर। तो यहां पे आप इसे कर लीजिए इंस्टॉल। वैसे मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए इंस्टॉल और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करिए। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे देखो आपको सेकंड नंबर में ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट एपीके फ्रॉम ऐप, आपको इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपको जिस ऐप को एडिट करना है, तो यहां पे हमको व्हाट्सएप को एडिट करना है, तो व्हाट्सएप हम ले लेते हैं। तो ये हमने व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फुल एडिट रिसोर्स पे क्लिक करना है, जो पहले नंबर पे आपको दिखेगा। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी लोड होगा, तो ये लोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डिफॉल्ट सेट है, और यदि आपका डिफॉल्ट सेट नहीं है तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है फाइल्स में, तो चलिए हम फाइल्स में जाते हैं। ये भी थोड़ी सी लोड होगा क्योंकि व्हाट्सएप बहुत बड़ा ऐप है और इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखी हुई होती है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लोड हो रहा है। तो चलिए ये यहाँ पे लोड हो गया है, आपको नीचे अब जाना है और लेआउट को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेआउट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको देखो नीचे जाना है और नीचे लेआउट आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट मुझे मिल गया, तो इसे ओपन करना है, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है और नीचे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीन का एडिट करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC स्क्रीन कॉन्टेंट, आपको दूसरा कुछ क्लिक नहीं करना है, ABC स्क्रीन कॉन्टेंट, ठीक है, आपको इसको क्लिक करना होगा। इसको जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो हो सकता है यदि आप यहाँ पे यदि इस चीज को सीख रहे हैं तो आपके पास एडमोव का अकाउंट तो होगा ही, ठीक है। यदि आपको आपके पास एडमोव का अकाउंट नहीं है तो आप सीख लीजिए कैसे एडमोव का अकाउंट बनाया जाता है और वहां कैसे एड क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो मैंने एड पहले से क्रिएट कर रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने मैसेंजर में सेंड किया था, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये बैनर आईडी लेना है, ठीक है। तो बैनर आईडी यहाँ पे मैंने सेंड किया था, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो बैनर आईडी आपको ले लेना है और चलिए एपीके एडिटर में चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले इसके बारे में देख लो कि कैसे एडमोव अकाउंट बनाया जाता है और कैसे ऐड क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आगे मैं कोडिंग लिख देता हूँ, फिर आप कॉपी करके यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे देखो आपको ये मिल जाएगा, आपको देखो लेस देन ग्रेटर देन और एक लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक
क्योंकि ये यदि मतलब कोई HTML से कोडिंग करता है उसको पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देता हूँ, फिर आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो लिखना है सो, तो सो जो होगा S कैपिटल होगा, ठीक है, SHOW सो बैनर PANNER, ये कैमल केस में आपको लिखना पड़ेगा। तो B जो होगा बैनर का B वो भी कैपिटल होगा, और फिर एड तो एड का A भी कैपिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर में भी इसको लिखना है, तो यहाँ पे सो और PANNER एड, ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसके जस्ट बीच में आपको देखो वो जो आपने कोड लिखा है उसे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, आप देख लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और एकदम सेम ऐसा लिखना है। यदि थोड़ी सी भी आप कोडिंग में डिस्टर्बिंग करते हैं, कहीं पे भी आप गलत करते हैं, तो ये सेव नहीं होगा और ये इसमें एड नहीं शो होगी। तो प्लीज आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो और इसे देख लो, आपको ऐसा ही एकदम करना है सेम, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ऐड लगाया है ये बैनर ऐड है, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हो जाने के बाद आपको देखो नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करके सेव कर देना है। तो चलो ये देखो फाइल सेव्ड, ठीक है। अब आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको टॉप पे राइट साइड में बिल्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे बिल्ड पे क्लिक करना है। तो ये हमने बिल्ड में क्लिक कर दिया। अब इसके बाद ये हमारा जो ऐप है वो बिल्ड होके तैयार हो जाएगा, यानी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है, और चलो थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लगभग एक मिनट का टाइम लगेगा तो ये हो जाएगा। तो चलो हम तब तक इसे देखते हैं कि ये बिल्ड होता है कि नहीं होता, और यदि मैंने कुछ गलती की होगी तो ये बिल्ड नहीं होगा, तो देखते हैं चलो। और दोस्तों यदि बिल्ड होने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और देखो यहाँ पे ये बता दिया कि सक्सेस, ठीक है, ये हमारा जो ऐप है ये तैयार हो गया है। तो चलो हम क्लोज करते हैं इसको और हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो ये हमारा फाइल मैनेजर है, और फाइल मैनेजर में हमको फोन स्टोरेज में जाना होगा, जहाँ पे भी आपका सेव होता है वहाँ पे आपको जाना है। और ऑल फाइल्स में हम आ गए हैं, और देखो APK एडिटर नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो WhatsApp है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो इसका नाम है GEN, कुछ ऐसा नाम है। तो चलो हम इसको रिनेम कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ये रिनेम फाइल, और इसका मैं नाम दे देता हूँ WhatsApp, ठीक है, क्योंकि हमें इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, तो जिससे उसे अजीब न लगे इस कारण से हम इसका नाम WhatsApp दे देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो इसको क्लिक करना होगा, और इसको क्लिक करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। तो चलो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद इसे हम कर देते हैं डन, ठीक है। अब चलो हम ओपन करके देखते हैं ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे ये तो मेरा रियल WhatsApp है, ठीक है, और अभी जो इंस्टॉल हुआ वो ये गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे भी मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी AdMob की एड शो हो रही है। तो यहाँ पे अब मुझे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे इसे साइन इन करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अपने पुराने WhatsApp में भी AdMob की एड लगाई थी, जिस कारण से इस WhatsApp में AdMob की एड दिख रही है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पुराने WhatsApp को अनइंस्टॉल करना होगा, क्योंकि आपके पुराने WhatsApp में वहाँ पे AdMob की एड नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने जो एडिट किया है उसी में AdMob की एड दिखेगी। तो क्योंकि मैंने इसमें भी एडिट किया था इसलिए इसमें AdMob की एड दिख रही है। तो आपको पुराना वाला जो WhatsApp होगा उसे डिलीट करना होगा और इसे इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों चलो मान लेते हैं कि आपकी ऐप बन गई, अब इससे अर्निंग कैसे होगी वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो आपको क्या करना होगा कि आपको इसे कम से कम 100 लोगों को शेयर करना होगा, तभी इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 100 लोगों को शेयर करना है, और मैं आपको बता दूं कि WhatsApp सब लोग चलाते हैं और पूरे दिन चलाते रहते हैं, ठीक है। तो यदि एक बंदे से आप $1 कमाते हो, एक बंदे से $1 कमाते हो, तो 100 बंदे से आप $100 आराम से कमा सकते हो। लेकिन मैंने आपको $20 बोला है, ठीक है, क्योंकि मान लो बहुत सारे लोग नहीं चला रहे हैं, 80 लोग नहीं चला रहे हैं, आपने 100 लोग को शेयर किया है तो 80 नहीं चलाते, बहुत कम चलाते हैं, लेकिन 20 लोग तो पूरे दिन चलाते हैं। तो आप 20 लोगों से यदि $1 भी कमाओगे, तो 20 लोगों से यदि आप $1 भी कमाओगे, तो पर डे का आप $20 बहुत ही आराम से कमा लोगे, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और देखो आपको किसी को बोलना भी नहीं है कि भाई हमारी ऐड में क्लिक करो, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी भी नहीं है। और आपको जाके देखो उसके WhatsApp में, मतलब उसके मोबाइल फ़ोन में आपको अपना WhatsApp इंस्टॉल कर देना है, और आपको यही WhatsApp इंस्टॉल करना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। और आपको देखो गूगल ड्राइव के जरिए या फिर WhatsApp के जरिए, फेसबुक के जरिए, कहीं से भी शेयर कर दीजिए उसको, और उसको बोल दीजिए कि भाई आप इस WhatsApp को इंस्टॉल कर लो, इससे मेरी अर्निंग होगी, और उस WhatsApp को अनइंस्टॉल कर दो, तो वो कर लेगा यदि आपका दोस्त होगा। तो आप पर डे का $20 आराम से कमा सकते हो। और $20 मतलब पता है कितना होता है, देखो 20 × 68 चल रहा है, तो 20 × 68 एक दिन का 1300, ठीक है, और महीने का हो गया देखो यहाँ पे इतना, ठीक है 40,000। लेकिन मैं मानता हूँ यदि आप 30,000 रुपये भी महीने कमा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे यदि आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, मतलब आप एक दिन का 1,000 रुपये कमा रहे हो, और 1,000 रुपये कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, तो 100 लोगों को कैसे आपको शेयर करना पड़ेगा, ये चीज आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको APK एडिटर प्रो का यूज करना है। इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा है, उसकी मदद से आप APK एडिटर प्रो को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहां पे जाके आप APK एडिटर प्रो को फ्री में इंस्टॉल कर लीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद आई होगी। यदि कोई भी सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।